Hello students, welcome back to my channel. In this video we are going to prove the mirror formula, that is 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. For that we have drawn a ray diagram. Here AB is the object. Rays passing parallel to the principal axis after reflection passes through focus. The ray passing through the center of curvature after reflection, it is reflected back in the same direction. Okay, so the intersection of both these rays are at this point between C and F, that is center of curvature and focus. So here the image is formed. Since the image is formed in front of the mirror, therefore it is real image, and it is upside down, therefore it is inverted. Okay, so we have named the image A dash and B dash. This point is pole, and the distance of object from the pole is known as object distance, and it is represented by small u. See, OA is equal to small u, and since the object is at the left of the mirror, therefore it is taken as negative. The distance is taken as negative. And the image distance, that is OA dash, is minus v. Since the image is also at the left of the mirror, therefore negative. And FO, this is focal length. It is represented by small f, and it is also at the left of the mirror, therefore taken as negative. Okay, so we have to prove that 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. For that, first take triangle ABC and triangle A dash, B dash and C. These two triangles are similar triangles because in these two angles are equal. See, this is 90 degree and this is also 90 degree, and this is vertically opposite angles, they are also equal. So from that similarity we can say that AB divided by A dash, B dash, AB divided by A dash B dash is equal to AC divided by A dash C. This AC divided by A dash C, इन दो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा इस रेशियो के बराबर. ठीक है, सो वी कैन राइट AC एज AO माइनस CO. AO माइनस CO गिव्स AC. ओके, एंड सिमिलरली A डैश C को कैसे लिख सकते हैं? A डैश C को OC माइनस A डैश O. ठीक है, सो हमको इनकी वैल्यूज पता है. OA की वैल्यू है माइनस U, OC की वैल्यू है OC. हमको पता है कि जो फोकल लेंथ होती है वही लेंथ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच की होती है. मीन्स कि ये भी f है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी f है, तो ये पूरी टोटल कितनी हो जाएगी? 2f. ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2f. ठीक है, तो OC की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2f. अब ये साइन को ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, फिर ये बीच वाला साइन, और फिर OC लेफ्ट ऑफ द मिरर है, इसलिए ये भी क्या होगा? नेगेटिव होगा. नीचे देखिए, OC दैट इज़ 2f नेगेटिव होगा, माइनस OA डैश. माइनस OA डैश मीन्स OA डैश, दिस इमेज डिस्टेंस, इट इज़ टेकन एज माइनस v. ओके, माइनस v. माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर भी इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली इन ट्रायंगल बी डैश ए डैश एफ एंड एफ एन और एम, ये दो ट्रायंगल भी सिमिलर ट्रायंगल है. इसमें भी 90 डिग्री है और यहाँ पर भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है. ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा? ये दो साइड्स का रेशियो, दैट इज एम एन डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ एम दिस साइड डिवाइडेड बाय ए डैश एफ दिस साइड.
ओके, इन दो का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि एम एन जो है वो इक्वल होगा ए बी के बराबर, ठीक है, दोनों डिस्टेंस इक्वल है क्योंकि ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल है। और एक और बात कि ये जो एफ एम है ये ऑलमोस्ट इक्वल होगा एफ ओ के, ये जो पोल है ओ हमने जो लिया है एफ ओ के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो इसे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान सकते हैं। देयरफॉर एफ एम इज़ इक्वल टू एफ ओ। ओके, तो इस इक्वेशन में एम एन के प्लेस पर ए बी रखा है, एम एन इज़ इक्वल टू ए बी, और एफ एम की जगह एफ ओ रखा है, ठीक है, एफ एम की जगह एफ ओ प्लेस किया है। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज़ इक्वल टू एफ ओ डिवाइडेड बाई ए डैश एफ। नाउ ए डैश एफ को हम लिख सकते हैं, ए डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश ओ माइनस एफ ओ, ए डैश ओ माइनस एफ ओ की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, दैट इज़ माइनस वी ए डैश ओ की वैल्यू माइनस एफ ओ दैट इज़ फोकल लेंथ एफ ओ, ठीक है, साइन का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फिर इसे सॉल्व कर लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस एफ माइनस वी एज इट इज़। From equation 1 and equation 2, we can see that the left hand side of the equation is equal, therefore right hand side is also equal. तो रख दिया हमने यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू भी इक्वल होगी। ओके, यहाँ से हमने इक्वेट कर दिया, इस पूरी क्वांटिटी को इधर ले गई और इस क्वांटिटी को इधर, 2f माइनस u कर दिया, इसे अरेंज कर दिया थोड़ा, f माइनस v कर दिया, माइनस एफ ये उधर गया, माइनस टू एफ प्लस वी इसका अंदर मल्टीप्लाई किया, टू एफ स्क्वायर हो गया और टू एफ का माइनस वी में करा तो माइनस टू वी एफ। ओके, नेक्स्ट माइनस यू इंटू एफ इज़ माइनस यू एफ, माइनस माइनस प्लस यू इंटू वी यू वी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस टू एफ स्क्वायर, एंड माइनस एफ इंटू प्लस वी इज़ माइनस एफ वी। ओके, अब यहाँ से हम सारी क्वांटिटीज़ को इधर ले आए, आप चाहें तो ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, इधर ले आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा माइनस टू वी एफ माइनस यू एफ प्लस यू वी प्लस एफ वी। सी, अब यहाँ पर भी देखिए, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, माइनस टू वी एफ प्लस वी एफ गिव्स माइनस वी एफ। ओके, दोनों वेरिएबल सेम है यहाँ पर तो ये माइनस हो जाएंगे, बाकी एज इट इज़ लिखा है। अब इस पूरी क्वांटिटी को यू वी एफ से डिवाइड कर दिया, सी यू वी एफ से तीनों को डिवाइड कर दिया, तो यू एफ से यू एफ कैंसिल, बचा वन बाय वी, यू वी कैंसिल हुआ, बचा वन बाय एफ, और यहाँ पर बचा वन बाय यू। अब जो भी नेगेटिव क्वांटिटीज़ हैं उनको इक्वल टू के उस साइड ले गए तो हमारे पास आ गई इक्वेशन 1 बाय एफ इज़ इक्वल टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, ये है हमारा मिरर फार्मूला और ये एप्लीकेबल होगा सभी स्फेरिकल मिरर्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।